Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. आइए आज एक MCQ सॉल्व कर रहे हैं गेट इकोलॉजी इवोल्यूशन के 2022 पेपर से लिया हुआ. Which one of the following cladograms represent the correct phylogenetic relationships in the animal kingdom? हमें यहाँ चार ऑप्शन में अलग अलग तरीके के क्लैडोग्राम दिए गए हैं. देखो जिसमें ह्यूमन, फिश, फ्रूट फ्लाई, निमेटोड और हाइड्रा, ये पांच ऑर्गेनिज्म के फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में ये क्लैडोग्राम बनाए गए हैं. ठीक है, तो इनमें से कौन सा क्लैडोग्राम सही रहेगा ये हमें बताना है. आइए देखते हैं. एनिमल क्लासिफिकेशन का टॉपिक हमने अभी अभी कंप्लीट किया है, उसके अलग से प्लेलिस्ट में वीडियोज़ है, आप वो रेफ़र कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट की लिंक शेयर करती हूँ आपके साथ. उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है. देखो तो यहाँ पर किंगडम एनिमालिया है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विदाउट सेल वॉल, जिनमें सेल वॉल नहीं है वो सारे ऑर्गेनिज्म यहाँ आ जाएंगे जो मल्टी सेलुलर है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर सेलुलर ग्रेड और टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से आता है. ठीक है, तो सेल्युलर ग्रेड में तो पोरीफेरा आते हैं तो ये हम छोड़ देंगे. हाइड्रा कहाँ आता है? देखो हाइड्रा यहाँ पर रेडियल सिमेट्री शो करते हुए, दैट इज इन अ निडारिया, दैट इज अ हाइड्रा, निडारिया फाइलम में हाइड्रा आता है. ठीक है, टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन में बायलेटरल सिमेट्री शो करते हुए सूडोसिलोमेट में देखो ये एस्केलमेंथिस दैट इज निमेटोड आते हैं. ये सूडोसिलोमेट बॉडी कैविटी शो करते हैं, बायलेटरल सिमेट्री है. और इसमें यूसिलोमेट में हमें यहाँ ऑर्थ्रोपोडा में फ्रूट फ्लाई इज देयर, और इसी में यूसिलोमेट में कॉर्डाटा फाइलम है, उसमें फिश और मैमल आते हैं. ठीक है, तो इस तरीके के इनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यहाँ दिखाई देती है. तो बस अगर हम हमारे बनाए हुए चार्ट को यहाँ पर कंपेयर करें तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो रिलेट करता है. देखो ठीक है, हाइड्रा का अलग से ये बन जाएगा, क्लैड बन जाएगा, और ये बाकी सब इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. ठीक है, ओके, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. इस शॉर्ट वीडियो के साथ आज का वीडियो कंक्लूड कर रही हूँ. मेल आईडी मैंने शेयर किया हुआ है और कमेंट सेक्शन भी है, आपको किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप मुझे शेयर कर सकते हो. एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.